नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 24 न्यूज और आपके साथ मैं फिरदौस। शुरुआत करते हैं आज की ताजा खबरों के साथ। पृथ्वी बचाओ चैरिटेबल ट्रस्ट इंडिया के द्वारा चलाया जा रहा है संकल्प वन महोत्सव अभियान, जिसके तहत आज भवानी मंडी शहर में स्थित सिंधी समाज मंदिर परिसर पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति मंच उद्योग एवं व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष नरेश माधवानी के सहयोग से 15 फीट लंबे 2 आशापारा के वृक्ष लगाए गए। इस अवसर पर मंच के महामंत्री गगनदीप होरा, कोषाध्यक्ष नरेश गिरीश माधवानी, श्याम लालवानी आदि उपस्थित रहे। नगर पालिका भवानी मंडी में आज प्रातः 7:30 बजे से 9:30 बजे तक संयुक्त प्रवर्तक दल द्वारा फल सब्जी थोक मंडी व शहर के मुख्य बाजारों में कोरोना गाइडलाइन की पालना करवाने हेतु लोगों को पाबंद किया गया व सोशल डिस्टेंस की पालना नहीं करने पर 2 व्यक्तियों के 200 रुपए के चालान किए गए। संयुक्त प्रवर्तक दल में अधिशासी अधिकारी शंभुलाल मीणा, पुलिस स्टाफ व पालिका के कार्मिक उपस्थित रहे। भवानी मंडी की नगर पालिका को स्वच्छ रखने के लिए सफाई अभियान की हुई शुरुआत। ऐसे मानसून के चलते नगर पालिका ने नालियों की सफाई करवाना शुरू कर दिया है। अधिशासी अधिकारी शंभुदयाल मीणा के आने के बाद शहर में सफाई व्यवस्था में सुधार हो रहा है। ऐसे में शहर के बड़े छोटे हर नाले की या गंदगी को 21 जून से पहले सफाई की जाएगी, यह जानकारी अधिशासी अधिकारी शंभुदयाल मीणा ने दी। गुराड़िया जोगा के पाद मिश्र धाम पर क्षमा सोंधिया समाज द्वारा और राजपूत समाज की ओर से एल ऑक्सीजन सिलेंडर उप स्वास्थ्य केंद्र पर दान किया गया, जिसकी कीमत 12,400 रुपए के लगभग है। समाज सख्य डॉक्टर भारत निहोन निहान ने बताया कि समाज की ओर से क्षेत्रवासियों की सुविधा के लिए प्रयास किए फार ही मनी किट उप स्वास्थ्य केंद्र पर उस उपस्थिति में भेंट गुराड़िया जोगा प्रभारी अनिता मीणा और भवानी मंडी पंचायत समिति प्रधान सुल्तान सिंह सभी व उपस्थित स्वास्थ्य केंद्र की कर्मचारी उपस्थित रहे। झालावाड़ जिले के बकानी कस्बे के तहसील कार्यालय में आज उपखंड अधिकारी मोहम्मद जुनेद, आईपीएस अधिकारी अमित कुमार की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में क्षेत्र के सभी गणमान्य नागरिक, व्यापार संघ कार्यकारिणी के सदस्य व भामाशाह उपस्थित हुए, जिसमें उपखंड अधिकारी ने बताया कि आगामी समय में आने वाली तीसरी कोरोना की लहर बहुत खतरनाक हो सकती है। इससे बचने के लिए अपने नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पर्याप्त सुविधाओं को इंतजाम किया जाना अति आवश्यक है, जिसे लेकर क्षेत्र के भामाशाह से अपील की जाती है कि अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में बेड, ऑक्सीजन व रेगुलेटर डोनेट किए जाएं, ताकि आने वाले समय में कोरोना की गंभीर महामारी से क्षेत्र की जनता को बचाया जा सके। पिड़ावा में राज्य सरकार द्वारा भाजपा के 1 मेयर और 2 चेयरमैन व पार्षदों के निलंबन का विरोध करते हुए भाजपा मंडल ने SDM कार्यालय पर प्रदर्शन कर राज्यपाल के नाम SDM को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि सरकार ने नवनिर्वाचित जयपुर ग्रेटर की मेयर, 2 चेयरमैन व 9 भाजपा पार्षदों के निलंबन का तानाशाही आदेश जारी कर लोकतंत्र की हत्या की है। कांग्रेस सरकार लोकतांत्रिक तरीके से बनाए गए बोर्ड की अनुमति दबाव बनाकर लोकतंत्र की हत्या कर रही है, जिससे भाजपा में रोष है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने सरकार के निलंबन के आदेशों को रद्द करने की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में जिला प्रमुख प्रेमबाई दांगी, हरिमोहन शर्मा, पूर्व जिला प्रमुख भागचंद दांगी, जीवनधर कासलीवाल, पूर्व चेयरमैन निर्मल शर्मा, मंडल अध्यक्ष कमल कासलीवाल, रमेश दांगी, पालिका उपाध्यक्ष राजू माली, जिला उपाध्यक्ष नारायण सिंह, बाल किशन जमींदार, मंडल महामंत्री पीयूष जैन, सीताराम माली, पार्षद भारत भूषण, आनंदपुरी, राजेंद्र बना, जीवन टंडेल, रमेश जैन, प्रदीप जैन, कमल प्रजापत व रामेश्वर गोस्वामी मौजूद रहे। पनवाड़ कस्बे के मध्य से गुजर रहे देवली अरण्य स्टेट हाईवे के शिवाजी चौराहे पर सोमवार रात अज्ञात चोरों ने मकान के गेट पर लगा ताला तोड़कर चोरी करने का प्रयास किया, लेकिन जाग होने पर मकान मालिक द्वारा छत से पत्थर मारने की धमकी के कारण चोर घबराकर अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गए। कस्बे निवासी राम भरोस सोनी ने बताया कि रात के समय परिवार के सभी सदस्य मकान की दूसरी मंजिल पर सो रहे थे। इसी दौरान रात 2 बजे करीब अज्ञात नकाब पेश चोरों ने गैलरी पर अंदर से चैनल गेट का ताला तोड़कर मकान में घुसने का चोरी करने का प्रयास किया, लेकिन अंदर का दरवाजा नहीं खुलने के कारण अज्ञात नकाब पेश चोर कामयाब नहीं हो सके। इस दौरान खटपट की आवाज़ सुनकर नींद खुलने पर ऊपर की बालकनी से देखने पर 2 चोर दूर खड़े हुए थे और एक गेट खोलने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान मकान मालिक द्वारा छत से पत्थर फेंकने की धमकी देने के कारण चोर घबराकर भाग छूटे। चोरों ने वहां लगे CCTV कैमरे में भी तोड़ दिए।
लेकिन अज्ञात चोरी की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। लोगों ने पुलिस गश्त बढ़ाने की मांग की है। थानाधिकारी जगदीश प्रसाद नागर ने बताया कि घटना स्थल का मौका मुआयना कर सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखी जा रही है। दो संदिग्धों को लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। पनवाड़ में आज आदर्श राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हरिगढ़ पर गर्भवती महिलाओं की जांच की गई। डॉक्टर दीपक माहेश्वरी ने बताया कि प्रधानमंत्री मातृत्व दिवस पर गर्भवती महिलाओं की जांच की गई, जिसमें 21 महिलाओं की जांच भी की गई। वह रेखा टेलर पीएचएस ने बताया कि गर्भवती महिलाओं की जांच में हीमोग्लोबिन, एल्यूमिनियम शुगर, ब्लड शुगर, VDRL, HIV ब्लड ग्रुप व BP चेक किया व वजन लंबाई आदि प्रकार की जांच भी की। ग्राम पंचायत लाइफल सरपंच अर्जुन कुमार ने बताया कि PWD विभाग द्वारा सांगेत से बागेर बीच सड़क निर्माण कार्य किया गया, लेकिन बीच के गांव में आबादी में नालियों का निर्माण नहीं किया गया। लाइफल, बिशनकेड़ी, बागोद तीनों गांवों के अंदर आबादी में नालियों का निर्माण नहीं किया गया, जिससे बरसात का पानी घरों में घुसेगा। सरपंच अर्जुन कुमार सुमन ने बताया कि ग्राम पंचायत कोष में इतनी राशि नहीं आती कि ग्राम पंचायत नालों का निर्माण करवा सके। इन नाले निर्माण में लगभग 15 से 20 लाख की लागत आएगी। गरौड़ के सिविल हॉस्पिटल में आज विधायक देवीलाल धाकड़ द्वारा और भाजपा जिला अध्यक्ष नानालाल अटोलिया द्वारा बुधवार को वैश्विक महामारी COVID-19 इस संकट काल में जनसेवा के प्रति समर्पित सिविल स्टाफ, चिकित्सक, नर्स को शाल और श्रीफल से सम्मानित किया एवं कोरोना महामारी के पूर्ण नियंत्रण हेतु आज गरौड़ नगर में विधायक व भाजपा जिला अध्यक्ष नानालाल अटोलिया के साथ एक बार पुनः जन जागृति अभियान एवं रोको टोको अभियान चलाया गया, जहां नगर में घूमकर लोगों को मास्क लगाने हेतु समझाइश भी की गई। कनवास उपखंड अधिकारी राजेश डागा की पहल पर गेहूं बैंक की स्थापना की गई थी, जिसमें 14 ग्राम पंचायतों से 724 क्विंटल गेहूं एकत्रित किए गए थे। प्रत्येक पंचायत में गेहूं से आटे की किट तैयार कर आर्थिक कमजोर वर्ग, जरूरतमंद परिवारों को वितरित करने हेतु सूचियां तैयार की जा रही है। इसी क्रम में आज ग्राम पंचायत जालिमपुरा में पंचायत के अनुरोध पर कनवास SDM राजेश डागा जालिमपुरा पंचायत में पहुंचे, जहां पर 200 आटे के कुछ गेहूं किट बैंक से तैयार किए हुए थे। उनमें से कुछ किट जरूरतमंदों को वितरित कर इसका शुभारंभ किया गया। शेष आटे के किट ग्राम पंचायत द्वारा वितरित किए जा रहे हैं। कनवास उपखंड अधिकारी राजेश डागा ने बताया कि कोरोना काल में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, असहाय मजदूर व निराश्रित परिवार के जीवनी पर काफी प्रभाव पड़ा है। इसके लिए प्रशासनिक स्तर व किसानों के सहयोग से गेहूं बैंक की स्थापना की गई। आज की बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक बने रहें खबर 24 न्यूज के साथ। नमस्कार। फ्री फ्री प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना फिर से शुरू हो गई है। जिस परिवार के गैस कनेक्शन नहीं है वह तुरंत संपर्क करें। फ्री गैस कनेक्शन लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज राशन कार्ड, परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, महिला के 3 फोटो, महिला के बैंक खाते की पासबुक। ऋषभ गैस सर्विस, भवानी मंडी। मोबाइल नंबर है 7568060310, 8058766999, 8003950705। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना फिर से शुरू हो गई है। जिन परिवार के पास अभी तक गैस कनेक्शन नहीं है वह तुरंत ऋषभ गैस सर्विस पर संपर्क करें। गैस कनेक्शन लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज है राशन कार्ड की फोटोकॉपी, राशन कार्ड में जितने भी सदस्य हैं उन सभी के आधार कार्ड की फोटोकॉपी, महिला की बैंक खाते की पासबुक की फोटोकॉपी, महिला के पासपोर्ट साइज के 3 फोटो, मोबाइल नंबर, सारे आवश्यक दस्तावेज लेकर ऋषभ गैस एजेंसी पर संपर्क करें। आरामा चक्की चल रही कभी बैठा रोई दोनों पुड़ के बीच में तो साजान निकले जिको छोड़ के मत दाऊं एक लीरा बना
अपना साहिब ने महल बनाई बन जा रहा रे बन जा रहा रे हा गहरी गहरी माहे बीन बजाई बन जा रहा हूँ छोड़ के मत जाओ एक नीरा बन जा रहा रे